नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कपूर। इस मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैं पिछले 4 साल से एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। अगर आपने शक्तिपीठ के भैरव शो देखा हो जो बिग मैजिक में आता था, उसमें एज ए नंदी मैंने कैरेक्टर काम किया है। जी टीवी के नंबर 1 शो जोधा अकबर, जिसमें दिलावर खान का मैंने कैरेक्टर निभाया। और ऐसे अनगिनत कैरेक्टर्स जो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, आपने उनमें मुझे ज़रूर देखा हो। आज इस चूचू का मुरब्बा जो चैनल जो राजेश दुबे जी का है, इसके माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में आपके बहुत काम आएंगे। इस करियर को लेके, फिल्म इंडस्ट्री को लेके राजेश दुबे जी ने आज तक जितने भी वीडियोस बनाए, वो लाखों स्ट्रगलर्स या जो लोग मुंबई आना चाहते हैं या जो यहाँ आके कुछ मुकाम पाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत नॉलेजेबल रहे हैं। जिससे लाखों बच्चे जो मुंबई के बाहर सोचते हैं, सपना देखते हैं मुंबई में कुछ करने का, उनको हौसला मिले और साथ ही साथ आगे का रास्ता भी दिखाई दे। आज मैं कुछ ऐसे तजुर्बे आपसे शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत काम के हैं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, ड्रीमलैंड, हजारों सपने, हजारों उम्मीदों के साथ पता नहीं कितने बच्चे इस धरती पर रोज पांव रखते हैं, कुछ बनने का सपना देखते हैं। उन सभी बच्चों के दिल में एक चाह होती है अपना नाम बनाने की, और चाह उनको लगता है कि बस वो मुंबई में आएंगे, उन्हें मौका मिल जाएगा और बस वो रातों रात स्टार बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां की एक कड़वी सच्चाई मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप किसी भी फील्ड में उतरते हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक शिक्षा की जरूरत होती है। आप अगर ये सोचते हैं कि आपको किसी ने कह दिया कि वाह आप तो बहुत गुड लुकिंग है, आपको एक्टर बनना चाहिए, तो ये नहीं कि आप ये बैग उठाएं सीधे मुंबई आ जाए। जी नहीं, आज जितने भी लोग मुकाम पा चुके हैं या कुछ बन चुके हैं, उनके पीछे उनकी एक कहानी है, उनका कड़ा संघर्ष है, उन्होंने जो तैयारियां की हैं, अगर आप उन पर गौर करेंगे तो श्योर आप सक्सेस पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अंधा होकर यहां पे कूद पड़ेंगे और सोचेंगे बस मैं नाम कमा लूं और मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। मैंने लाखों लोगों को यहां बर्बाद होते भी देखा है, लेकिन बर्बाद वो लोग होते हैं जिनके अंदर ज्ञान की कमी होती है। कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा कि आप क्या है। सिर्फ गुड लुकिंग होना भी कोई खासियत नहीं है, इट्स अ प्लस पॉइंट, बट जो मेन चीज, अगर आप एक अभिनेता बनने चाहते हैं तो अभिनय आना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे कई कलाकार देखे हैं, ऐसे कई नए युवा लोग यहां देखे हैं जो आते हैं और 6-pack body और 6-foot कद अपना लेकर आते हैं और सोचते हैं बस हम आएंगे और हमें फिल्म मिल जाएगी और हम रातों रात बस ऋतिक रोशन बन जाएंगे। भूल कर भी ऐसी गलती मत कीजिए। जब आप लोग यहाँ पैर रखते हैं तो अपने माँ बाप का सपना लेकर यहाँ आते हैं, आपके दिल में बहुत आशाएं होती हैं कुछ बनने की, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। लेकिन इस क्षेत्र में इस तरह से पैर रख देना, अंधापन करना, बिल्कुल ऐसा है कि जंग के मैदान में बिना हथियार के कूद पड़ना। एक्टर आपके अंदर ही है, लेकिन आपको उसे उजागर करना पड़ेगा, उसे आपको जागृत करना पड़ेगा। आप सोच लीजिए कि आपने कह दिया हाँ मैं एक्टर हूं और आप यहां आ गए, आप जगह जगह ऑडिशन दे रहे हैं, समय और पैसे की बर्बादी करेंगे आप। क्योंकि नॉर्मल बात करना और कह देना कि मैं कर लेता हूं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बात तब आती है जब एक यूनिट के ऊपर, जब 250 से 300 लोग खड़े हैं, कैमरा मुंह के ऊपर लगा है और आपको वहां पे परफॉर्म करना है, और वैसा परफॉर्म करना है कि दुनिया कहे कि वाह क्या काम किया है। तो सबसे पहले खुद को तराशिए, आप क्या हैं, आपका शरीर, आपका जो आभा है वो क्या कहती है आपसे। आप छोटे कद के हैं, आप सांवले रंग के हैं, आप काले हैं, आप मोटे हैं, इस इंडस्ट्री में हर किसी के लिए काम है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके लिए यहाँ काम ना हो, क्योंकि अगर एक फिल्म बनती है तो वो सिर्फ शाहरुख खान के ऊपर नहीं बनती, उनके साथ कई ऐसे कैरेक्टर्स जुड़े होते हैं। अगर हम सक्सेसफुल लोगों की बात करें तो राजपाल यादव, जिनके लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो रंग के गेहूं हैं लेकिन अपनी कला से उन्होंने कितना नाम कमाया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि लुक मैटर नहीं करती।
काम मैटर करता है ना। आपने शक्तिमान देखा होगा, शो आता था तो उसके जब टाइटल सॉन्ग आता था तो उसके अंदर एक लाइन होती थी जो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा हिट करती है कि होता है जब आदमी को खुद का ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। तो सबसे पहले खुद का ज्ञान कीजिए कि आप क्या हैं, खुद को समझिए, अपने अंदर के अभिनेता को तराशिए, तब इतना बड़ा कदम उठाइए मुंबई आने का। अपने माँ बाप को झूठे दिलासा मत दीजिए, खुद के साथ धोखा मत कीजिए। आप यहाँ आएंगे, कुछ बन के आएंगे, कुछ सीख कर आएंगे, अपने पे काम करके आएंगे, तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ आपको काम मिलेगा। शुरू में छोटा काम मिलेगा, हो सकता है आपको एक सीन मिले, दो सीन मिले, लेकिन आने वाले समय में आपको बड़े बड़े किरदार निभाने को मिलेंगे। लेकिन वो कब मिलेंगे? जब आप अपनी प्रतिभा को लोगों को दिखा पाएंगे, अपना लोगों मनवा पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि खुद को इतना सवारी है, खुद की अभिनय शक्ति को इतना ज़्यादा प्रबल कर दीजिए कि सामने वाला आपको ऑडिशन देख कर कहेगा कि वाह। चाहे ये बंदा जबलपुर रहता है, चाहे कन्याकुमारी रहता है, चाहे कश्मीर रहता है, मुझे ये कलाकार चाहिए। व्हाट्सएप का ज़माना है दोस्तों, अब दुनिया बहुत सिमट के रह गई है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई आकर ही स्ट्रगल कर सकते हैं। सबके अगर आपकी प्रतिभा में दम है, आपके काम में ताकत है, तो मुंबई आपको खुद बुलाएगा। दोस्तों, ये ज़माना है नेचुरल एक्टिंग का। जैसे कि ज़माना बदला, लोग बदले, वैसे वैसे काम करने का तरीका भी बदला। आज दिलीप कुमार का ज़माना नहीं है कि ये कर दिया और वो कर दिया, वो एक्टिंग हो गया, नहीं, या जानी करके आप एक्टिंग कर लेंगे। आज का ज़माना नेचुरल एक्टिंग का है। जब आप बात करें तो ऐसा लगना चाहिए कि ये एक्टिंग नहीं कर रहा, ये सच में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा। तो सबसे पहले खुद पर काम कीजिए और फिर अपने सपनों को लेकर इस मुंबई नगरी में आइए। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, जब भी यहाँ आने का प्लान करें, जब भी यहाँ आने का सोचें, तो पहले खुद की तैयारी करें, वरना बर्बाद हो जाएंगे आप। और इस वीडियो को देखने के बाद अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो मैंने काम किए हैं, कुछ किरदार निभाए हैं, अब उनको देखिए और उन कामों को मैंने कैसे पाया है, कैसे शिद्दत से मेहनत से उन्हें निभाया है, उसके लिए मैं आपके कमेंट्स चाहता हूँ। आपकी कोई भी अगर आपके कुछ क्वेरी हो, आप इस बारे में कुछ जानना चाहते हो, कुछ भी आपकी ऐसी सोच हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा।